भागलपुर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मूर्तियों से आभूषण चुरा लिए गए। इस घटना के बाद वहां लोगों में गुस्सा है और गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने मौके पर खूब हंगामा किया और इस दौरान सड़क भी जाम कर दी गई। पुलिस ने जब भीड़ को हटाने की कोशिश की तो ये भीड़ और हिंसक हो गई। भागलपुर के सनहौला में ये घटना शनिवार शाम को हुई, जब असामाजिक तत्वों ने माँ दुर्गा, श्रीराम, माता सीता, राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया, नुकसान पहुंचाया। जब सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने इन हालातों को देखा, जिसके बाद वहां स्थितियां बिगड़ती चली गई। गुस्साई भीड़ ने गोघा सनहौला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जब पुलिस ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो ये लोग और उग्र हो गए और पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, CIAT के कमांडो और दंगा नियंत्रण बल को तैनात किया गया है। कोई आदमी है तो गए तो वहाँ पे देखें कि वो जो है वो मंदिर को राधा जो है ना वो तोड़ रहा था। दुर्गा महारानी का मंदिर पहले तोड़ दिया था, राम दरबार में तोड़ रहा था। कोई कुछ पकड़ने के लिए कोशिश किया, काहे तोड़ता है, तो उसका कालर पकड़ा। हमको बताएं, वो बोला और ज्यादा करेगा तो सब मंदिर तोड़ देगा। उसके बाद फिर भाग गया। आज दिनांक 20/10/24 को लगभग 5 बजे सुबह पुलिस को सूचना आई, एक असामाजिक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सो इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया है। उस संबंधित उधर पुजारी को भी पूछताछ किया है। इसी क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति नाम मोहम्मद सबास, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है, अभी उनको हटा दिया गया है। अभी विधि व्यवस्था और यातायात सामान्य है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले के सनहौला में थाना के जस्ट बगल में जानकी मंदिर, जहाँ पे आज सुबह में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा जो यहाँ के मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है या वहाँ पर राम जानकी का है, वो कृष्ण राधा का मूर्ति है, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बीच में यहाँ के लोगों के द्वारा जो है कुछ यहाँ जो लोगों ने जब लोग जब पूजा करने के लिए आए तो यहाँ पे देखें कि राम मंदिर में जितने भी मूर्तियाँ हैं, 5 मूर्तियाँ वो क्षतिग्रस्त है। इसके बाद शायद थाना को सूचना दी गई, थाना के बाद कुछ झड़प भी हुई, पुलिस के द्वारा कुछ बल प्रयोग भी किया गया और लगभग पुलिस के बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो 112 है उसको क्षतिग्रस्त कर दी गई है। पुलिस ने लगभग जो पद्र थे, ईटा चला रहे थे, पत्थर चला रहे थे, उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो व्यक्ति मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया उनमें से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ के जो देख रेख करने के लिए इनसे बात करते हैं, कैसे हुआ था? हम जैसे शंकर जी का खोले दरवाजा तो वहाँ देखते हैं नगाड़ा बजा रहा था बगल बा, वहाँ जाके देखें कि सब मूर्ति तोड़ के वो बैठा था। हम बोले काहे तोड़ा, बोला कि हाँ तोड़े। कितना मूर्ति होगा लगभग तोड़ा? मूर्ति 5 ठो यहाँ है, 6 ठो ऊपर में है, सर वही 10 ठो लगभग। यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा क्या हुआ है यहाँ पे, जब आप आए पूजा करने के लिए तो क्या देखे आप? हम 5 बजे करीब आए तो उसके बाद हम अपना आरती का तैयारी किए तो बोले कि नहीं यहाँ का मूर्ति सब तोड़ दिया गया है, ऊपर का राम दरबार का और दुर्गा माता का। तो फिर हम जो है आरती नहीं किए, उसके बाद तब यहाँ देखें धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गया। उसके बाद फिर तब हम शिव जी का मंदिर में आरती कर दिए, ऊपर का मंदिर तो खंडित हो चुका था। क्या लगा, किनके द्वारा तोड़ा गया, आपको आपने देखा कुछ ऐसा या? नहीं, हम तो 5 बजे आए, कार्तिक मास चल रहा है ना, सवेरे आरती होता है। क्या लगा, ये जो तोड़ा गया गलत है? हमको बोले हैं जो यहाँ का जो साफ सफाई करते हैं ना, वो हमको बोले जो है पंडित जी आज आरती नहीं होगा ऊपर में। हम बोला क्यों? बोला नहीं, इसे मंदिर ऊपर का जो है ना मूर्ति सब तो तोड़ दिया गया है, दुर्गा माता का और राम दरबार का। तो यहाँ पे जो मंदिर तोड़ा गया, मंदिर का मूर्ति तोड़ा गया, इनके बाद यहाँ पर का माहौल कुछ देर के लिए खराब हो गया। यहाँ पे जो भागलपुर के CTSP हैं डॉक्टर के रामदास, उनके द्वारा जो है यहाँ पे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यहाँ के जो लोग हैं जो उग्र हो गए थे,
पथराव भी किए थाने पे, थाने के कुछ गाड़ियां भी क्षति हुई जिसके कारण पुलिस को भी अपना बल प्रयोग करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये लोग जो है इस चीज़ से यहाँ के जो जनताएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो पुरानी मंदिर है, यहाँ के लोग जो पुरानी मंदिर है, यहाँ को क्षति मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, इससे नाराज हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ जो इसमें आरोपी हैं, जिनको जिन्होंने पुरानी मंदिर के मूर्ति को तोड़ा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। भागलपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए श्यामानंद सिंह।